दोस्तों ये मेरे हाथ में मोबाइल है लावा यूवा 2। पहले आप इसका वीडियो देख लीजिए। बैक साइड से दो कैमरा दिया हुआ है, एक फ्लैश लाइट दिया हुआ है और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और सेंसर जो है हिडन है, लेकिन सेंसर लगा हुआ है। राइट साइड में देखेंगे तो वॉल्यूम बटन दिया हुआ है, आवाज़ तेज और धीम कर ज़्यादा करने का, और यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है जहाँ पे फिंगरप्रिंट पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ वॉइस कैंसिलेशन वाला एक माइक्रोफोन दिया हुआ है और लेफ्ट तरफ यहाँ पे सिम लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, और नीचे की तरफ हेडफोन जैक लगाने का दिया हुआ, माइक्रोफोन दिया हुआ है और यूएसबी टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पीकर्स की आवाज़ निकलने वाला होल दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ तरह से ये मोबाइल दिखता है। अब इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं ऑफिशियली वेबसाइट से। तो लावा मोबाइल डॉट कॉम में हमने खोला हुआ है लावा यूवा 2 का स्पेसिफिकेशन देखने वाला पेज। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टच मोबाइल है ये। यहाँ पे आप दो नैनो सिम लगा सकते हैं और साथ में एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। यह टच स्क्रीन मोबाइल है। यहाँ पे कॉल फीचर दिया हुआ है, वाइब्रेशन ऑन कॉल कनेक्शन, कॉन्फ्रेंस कॉल, एनीवन और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग दिया हुआ है पहले से ही। और हैंडसेट का कलर आप तीन कलर में सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्लास ब्लू, ग्लास ग्रीन और ग्लास लेवेंडर। यहाँ पे पैकेट के अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर एक हैंडसेट यानी कि ईयरफोन मिलेगा, यूएसबी केबल टाइप सी मिलेगा, चार्जर मिलेगा यानी कि चार्जर अडाप्टर, और सिम इंजेक्टर टूल मिलेगा और बैक कवर मिलेगा। प्लेटफॉर्म जो रहेगा आपका 4G नेटवर्क सपोर्ट करेगा। प्रोसेसर रहेगा यूनिसॉक E606 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। एंड्रॉयड 12 में ये उपलब्ध रहेगा। लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन रहेगा। लेटेस्ट तो 14 चल रहा है, एंड्रॉयड 14, लेकिन इसमें 12 दिया हुआ है क्योंकि मैं पुराना मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ। साइज है इसकी डिस्प्ले की 6.5 HD+ सिंक डिस्प्ले। रेजोल्यूशन 720x1600। यहाँ पे PPI 269 है और कलर 16.7 M। कैमरा जो प्राइमरी कैमरा है 13 MP प्लस VGA, और सेकेंडरी मेगापिक्सल जो सेल्फी कैमरा है 5 MP का, जो कि स्क्रीन फ्लैश यानी कि फ्लैश लाइट जो दिया होगा वो स्क्रीन की कलर बढ़ जाएगा, तो आप फोटो खींच सकते हैं रात के में भी। फ्लैश बोथ कैमरा में दिया हुआ है, पीछे की तरफ लाइट दिया हुआ है फ्लैश लाइट, और फ्रंट में स्क्रीन हमारी ब्राइट हो जाएगी फोटो खींचने के। वीडियो रिकॉर्डिंग है, HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग की। अदर कैमरा ब्यूटी HD या नाइट पोर्ट्रेट, AI प्रूफ, पैरानॉर्मल, स्लो मोशन फिल्टर्स, टाइम स्लैप, इंटेलिजेंस स्कैनिंग, ये सब का ऑप्शन दिया है कैमरा में। मेमोरी हमारे फ़ोन की रहेगी इंटरनल मेमोरी 64 GB, और 3 GB के रैम रहेगी। 3 GB+ क्या लिखा हो बढ़ा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। 512 GB के हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। डायमेंशन यानी कि साइज जो रहेगा 164.96x76.1x8.7 mm का ये जो स्क्रीन का साइज रहेगा उस तरह से रहेगा। वेट रहेगा 202 ग्राम। बैटरी हमारी इस मोबाइल की रहेगी 5000 mAh की पॉलीमर बैटरी। 10 वाट का चार्जर रहेगा बॉक्स के अंदर। 170 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा 0 से 100%। 40 घंटे तक हम लगातार बात कर सकते हैं। इंस्टेंट बाय टाइम यानी कि एक बार चार्ज करने पर आप फ़ोन को कुछ भी नहीं करेंगे तो 600 घंटे चलेगा। यूट्यूब में यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो 533 मिनट वीडियो हम देख सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन गूगल प्ले स्टोर, जीमेल, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, मैप्स, ये सब दिया रहता है। जो एंड्रॉयड फोन में दिया रहता है वो तो दिया ही रहेगा। नेविगेशन है, यस कर सकते हैं। प्री इंस्टॉल्ड ब्राउज़र रहेगा गूगल क्रोम का। GPRS कनेक्शन रहेगा, EG/DG अगर रहेगा, 3G रहेगा, 4G रहेगा यानी कि 4G नेटवर्क तक हम इसको चला सकते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट भी रहेगा। USB टाइप सी का कनेक्शन रहेगा। ग्लोनस यस रहेगा। ग्लोनस क्या होता है मुझे नहीं पता। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का रहेगा। ऑडियो जैक 3.5 mm का हम ऑडियो जैक लगा सकते हैं। मल्टीमीडिया के अंदर यही बताएगा कि म्यूजिक प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, रिंगटोन प्लेयर है, ये तो सब में रहता ही है। अदर SAR वैल्यू 1.6 W/kg। अब ये शायद रेडिएशन के बारे में शायद बताता हूँ। सेंसर है एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी एयर, एम्बिएंट लाइट का।
एडिशनल फीचर रहेगा साइड फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, फेस अनलॉक रहेगा और बैटरी सेफर मोड भी रहेगा। फेस अनलॉक हमारा हो जाएगा 0.829 मिली सेकेंड, फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जाएगा 0.386 सेकेंड पे। वारंटी 1 साल की रहेगी हैंडसेट की वारंटी, 6 महीने की वारंटी ऑफ एक्सेसरीज यानी कि 1 साल तक की वारंटी आपके मोबाइल की रहेगी, बाकी 4,000 केबल और ईयरफोन जो रहेगा उसकी 6 महीने की वारंटी रहेगी। यदि आप इसको ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं अभी की डेट पे तो आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, इसकी कीमत 6,999 है। यदि आप एक्सिस बैंक से मंगाएंगे तो 5% का कैशबैक मिल जाएगा, यदि आप क्रेडिट कार्ड से मंगाएंगे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड से तो 10% की छूट मिल जाएगी, और यदि आप ICICI बैंक EMI से लेंगे तो इसमें भी 10% की छूट मिल जाएगी। तो बस इतने से गुण था, धन्यवाद।